हेलो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी कि मार्केट वोलाटाइल हो सकती है और आज देखिएगा उसका असर भी आपको साफ साफ नजर आया। और कल मैंने बोला था आपको कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ सकती है और आज देखिएगा वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा थी मार्केट के अंदर, ना केवल निफ्टी के अंदर बल्कि बैंक निफ्टी के अंदर। और कल की वीडियो का टाइटल भी था हमारा कि जब तक फाइनेंशियल्स मस्त हैं निफ्टी जो है बम की तरह काम करेगा। तो फाइनेंशियल मस्त, निफ्टी बम। लेकिन आज फाइनेंशियल्स वीक हुए और फाइनेंशियल्स में बैंकिंग वीक हुए और बैंकिंग के साथ बाकी एनबीएफसीज और बाकी फाइनेंशियल स्पेस के अंदर भी आज आपको गिरावट देखने के लिए मिली। और गिरावट भी सीवियर थी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी थी, इंडेक्स की जो ऑप्शंस थी उनकी वीकली एक्सपायरी थी, मार्केट ओवरबोट जोन के अंदर थी, एक करेक्शन जो थी वो मार्केट ढूंढ रही थी और आज मार्केट को जो है वो करेक्शन मिल गई। अब कल एक नए सिरे से एक नई शुरुआत के साथ बाजार ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मार्केट में एक अच्छी रैली ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो ओवरबॉट पोजीशंस में गए हुए हैं, तो जिस वजह से आप देखिएगा कि विदाउट फंडामेंटल्स भी बहुत सारे शेयर्स ऊपर के लेवल पर बने हुए हैं, तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था। अभी आगे का सिलसिला कैसा रहेगा ये मैं भी चर्चा आपके साथ इस वीडियो में करता हुआ नजर आऊंगा। तो देखिएगा आज निफ्टी 12,771 यानी कि 12,771 के ऊपर जो है क्लोज हुआ। और आप देखिएगा आज का जो हाई और लो के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि 210 पॉइंट का यानी कि 210 पॉइंट से भी ज्यादा बड़ा गैप जो है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। 12,963 मैंने कल आपके साथ बोला था कि शायद 13,000 के जो लेवल हैं वो आज आपको देखने के लिए मिलेंगे, और उसके बाद जो है एक करेक्शन जो है इंट्राडे के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन देखिएगा इंटरनेशनल मार्केट से जो है डाउ जोन्स में ऊपरी लेवल से कल जब गिरावट हुई तो उसके बाद एशियन मार्केट से भी सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से आज आपको 13,000 के लेवल देखने के लिए नहीं मिले और ऊपरी लेवल पर एक अच्छी जो है खासी प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने के लिए मिली। निफ्टी के अंदर अगर हम देखें आज तो आज डिफेंसिव नहीं निफ्टी को रोकने की कोशिश की, तो आईटीसी, टीसीएस, टाइटन, पावर ग्रिड और नेस्ले, तो जहां पर तेजी नहीं हुई थी या कुछ दिनों से करेक्शन चल रही थी वहां पर जो है डिफेंसिव ने जो है आज मार्केट को रोकने की कोशिश की। और देखिएगा मेरी ये जो दिन वाली चर्चा है जो मैं आपके साथ करता हूँ, तो आपको याद होगा कि मैंने 165 और 170 के बीच में आईटीसी की काफ़ी कवायद की थी और मैंने कहा था कि मार्केट की जिस तरीके का सिनेरियो है इसके अंदर रिस्क रिवार्ड जो है इन्वेस्टर के फेवर में, और वहां से 10% से ज़्यादा की जो है तेजी कर चुका है, तो करीबन 15% की रिटर्न्स ये अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। तो यहाँ पर 190 के ऊपर जो है बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो शायद हो सकता है एग्जिट भी किए होंगे उन्होंने, और यहाँ पर टीसीएस जो है काफ़ी दिनों से जो है प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर था वो चल रहा था, क्योंकि जो 2800 से ऊपर के जो लेवल थे बायबैक की खबर के चलते आए थे और अच्छे रिजल्ट्स की वजह से वो भी देखिएगा अब डिस्काउंट हो गए थे, तो उसके बाद देखिएगा करेक्शन का रूप जो था इख्तियार कर रखा था। अभी हम रोज जब चर्चा करते हैं तो हम यही बात करते थे कि फाइनेंशियल्स के दम पर निफ्टी आज एक नई ऊंचाइयों को जो है छूने में कामयाब रहा, और आज जो सारी प्रॉफिट बुकिंग आई है तो आप सारी की सारी गिरावट देखिएगा पांचों के पांचों फाइनेंशियल्स के अंदर है। आज एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे। देखिए एचडीएफसी बैंक सुबह से ही वीक था, सुबह आप देखिएगा वो हर 5-10 मिनट के बाद जो है एक नया लो जो है इंट्राडे के अंदर एचडीएफसी बैंक बना रहा था, तो जो इंट्राडे लोज थे वो चल रहे थे। लेकिन जब मार्केट के अंदर बाकी जो शेयर्स थे उसमें कोटक महिंद्रा बैंक काफी जो है तन के खड़ा हुआ था और वो पॉजिटिव था और आज अपने 52 वीक हाई भी उसने टच की है, वहीं पर एचडीएफसी बैंक में एक वीकनेस थी और लगातार एचडीएफसी बैंक में वीकनेस थी। एचडीएफसी बैंक की जो वीकनेस थी उसके साथ साथ आईसीआईसी बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक ये बड़े पॉजिटिव थे सुबह के सेशन के अंदर बात करें। लेकिन जब इन तीनों के अंदर गिरावट आई, उधर से एचडीएफसी बैंक में गिरावट थी तो कोटक महिंद्रा बैंक भी अपने आप को नहीं संभाल पाया और फिर देखिएगा एकदम तेजी से जो है गिरावट आपको नजर आई और करीबन 1:30-2 बजे के बाद जो है ये गिरावट गहराती हुई नजर आई। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों काफी पॉजिटिव थे और बजाज फिनसर्व आज निफ्टी के टॉप गेनर में सुबह ट्रेड कर रहा था, लेकिन वहां पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली और बजाज फाइनेंस में भी ऊपर के लेवल से आप देखेंगे तो करीबन 200 पॉइंट की जो है करेक्शन आज आपको देखने के लिए मिली बजाज फाइनेंस के अंदर। तो आप देखिएगा आज जो भी निफ्टी को नीचे खींचने में जिनका मुख्य योगदान रहा उसमें एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक थे। तो यहाँ पे देखिएगा तो वीकनेस आपको वहीं से नजर आई जहां से तेजी नजर आ रही थी। बैंक निफ्टी 28903 पे क्लोज हुआ, 846 पॉइंट्स की जो है गिरावट देखने के लिए मिली। अगर आज आप ऊपर के लेवल से और नीचे के लेवल्स में अगर आप पूरी अगर चाल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि काफी बड़ा जो कट है वो आज निफ्टी बैंक के अंदर देखने के लिए मिला। और कल के पॉइंट से अगर हम बात करें तो 846.8 की जो है गिरावट देखने के लिए मिली, और कल की क्लोजिंग जो थी वो थी 29749। तो वहां से अगर हम कैलकुलेट करें आज के लो को तो करीबन 950 पॉइंट के जो है लोज आज आपको देखने के लिए मिले। और यहाँ पर फाइनेंशियल्स में एक ओवरबोट जोन में थे तो इसलिए गिरावट देखने के लिए मिली। और आज किसने गिराया बैंक निफ्टी को? एचडीएफसी बैंक 281, आईसीआईसीआई बैंक 194, एसबीआई 162, एक्सिस बैंक 113, बंधन बैंक 21.25। अभी भी देखिएगा यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक आज भी स्ट्रोंग था। तो आप देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर और बैंक के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक अपने आप को संभाल पाया, तो इसलिए देखिएगा दोनों लिस्ट के अंदर वो शामिल नहीं था। आज कहाँ से राहत मिल रही थी, कौन से शेयर्स आज तेजी में थे? पावर ग्रिड, आईटीसी, एनटीपीसी, टाटा स्टील। और टाटा स्टील जो है लगातार जो है मजबूत है, और कुछ लोगों का मानना है कि जो नेक्स्ट ईयर है वो स्टील पैक के लिए अच्छा हो सकता है, तो यहाँ पर एक एंटिसिपेशन में बाइंग हो रही है। और टाटा स्टील भी अपने 52 वीक हाई के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज भी आपको आगे चलती हुई नजर आ सकती हैं। टाइटन 0.93, ब्रिटानिया, टाटा कंसल्टेंसी, डॉक्टर रेडिस, ये सब 1% से नीचे के आसपास ही जो है ट्रेड कर रहे थे, यानी कि फ्लैट टू पॉजिटिव आप इनको बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए आज गिरावट थी एसबीआई। एसबीआई में एक स्पेकुलेटिव जो है मूव चल रहा था काफी दिनों से, आज उस पर एक विराम लगता हुआ नजर आया। कल देखते हैं कि दोबारा से ये रैली कंटिन्यू होती है या एक प्रॉफिट बुकिंग जारी रहती है। कोल इंडिया में 4.76% की गिरावट देखने के लिए मिली। आईसीआईसीआई बैंक 4.19, एक्सिस बैंक 4%, टाटा मोटर्स 3.78, जेएसडब्ल्यू स्टील 3.63, अल्ट्रा टेक सीमेंट 3.14, बजाज फाइनेंस 2.7, एचडीएफसी बैंक 2.69। अब देखिएगा बजाज फाइनेंस के अंदर काफी दिनों के बाद गिरावट आई है, उसी तरीके से आप एचडीएफसी बैंक में देखिएगा 2.69% की जो गिरावट है वो परसेंटेज टर्म्स में कम है लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा है। तो आप देखिएगा जो इंडेक्स के अंदर लूजर्स हैं उसमें ये काफी आगे जो है रहता है। तो आज पूरी जो गिरावट थी वो फाइनेंशियल्स के दम पे थी। और गिरावट क्यों थी? क्योंकि आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थोड़े से ठंडे पड़े हुए थे। हो सकता है कि उनकी पुट वाली ऑप्शंस रही होंगी, उनके उन्होंने खरीद रखी होगी, इस वजह से भी शायद जो है उन्होंने आज ज्यादा माल नहीं खरीदा होगा। तो वहां पर भी देखिएगा केवल 1180 करोड़ की जो है बाइंग देखने के लिए मिली। वहीं पर करीबन 2854 करोड़ की जो है 2850 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है वो आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से जो है देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो बाइंग थोड़ी सी कम हुई और आप देखिएगा मार्केट में एक जो है गिरावट आपको देखने के लिए मिल गई। पुट कॉल रेशो जो काफी एग्रेसिवली जो है 1.5 के आसपास बनी हुई थी निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी में, जो कि मार्केट के ओवरबोट होने का जो है इंडिकेशन देती है, तो वो भी अब कंफर्टेबल हो गई है। और स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर जो है अब न्यूट्रल साइड पर जो है पुट कॉल रेशोज आती हुई आपको नजर आ रही है। तो इस पूरी चर्चा के अंदर अभी बाजार किस तरीके के से रिएक्ट करेंगे, तो देखिएगा बाजार आज न्यूट्रल की तरफ लाने की कोशिश की और बाजार काफी चल चुके हैं। तो अभी जो भी मार्केट के अंदर जो क्लू होंगे वो आपको इंटरनेशनल मार्केट से मिलते हुए नजर आएंगे। कुछ जो ब्रोकरेजेस हैं वो अभी कुछ शेयर्स को अपने इन्वेस्टर्स को रिकमेंड कर रही हैं। हमने भी अपने अल्फा मेंबर्स को एक शेयर्स जो है रिकमेंड किया था गैस कैटेगरी के अंदर, और उस शेयर्स का नाम था महानगर गैस लिमिटेड। और महानगर गैस लिमिटेड हमने 15 दिन पहले अपने अल्फा मेंबर्स के साथ जो है शेयर्स किया था, जो वो 800 रुपये से जो है नीचे ट्रेड कर रहा था, 785 780 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा था करीबन 15 से 20 दिन पहले। तब हमने उसको जो है बाय करने के लिए बोला था कि यहाँ पर जो है बाय बनता है और एक अच्छी जो है 10% से ज़्यादा की एक तेजी बन सकती है। तो अभी देखिएगा वो 900 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर अब ब्रोकरेजेस हाउस के जो है बाय कॉल्स आ रहे हैं, जिसमें कुछ ब्रोकरेजेस हाउसेज ऐसे भी हैं जो कि मैं जहाँ पे अपने अकाउंट्स जो है मेंटेन करता हूँ, तो वहाँ से भी इस तरीके की जो कॉल्स हैं
वो आ रही हैं। और इसी तरीके से जो दूसरी गैस कंपनीज हैं जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, वहां पर भी बाय कॉल जो है ब्रोकरेज हाउसेज अपने कस्टमर्स को दे रही हैं। तो यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे जो व्यूअर्स थे वो अच्छे प्रॉफिट पे हैं ऑलरेडी। अल्फा मेंबर्स के बारे में बात करूं, इसके अलावा हमने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर्स के बारे में बात की थी 84 रुपीज़ के आसपास, तो वो भी 92 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ पे भी देखिएगा 10% के लिए ही हमने बात की थी कि 10% की जो ट्रेडिंग मूव्स हैं वो आ सकते हैं। और महानगर गैस में देखिएगा अभी भी ऐसा लगता है मुझे कि 1000 रुपीज़ तक भी जो है जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रोकरेज हाउसेज बोल रहे हैं और जिस तरीके का पोटेंशियल है। हालांकि महानगर गैस के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी जो भी कोई करेक्शन मिले आपको, और अगर 850 840 रुपए के आसपास कभी भी किसी मार्केट करेक्शन में शेयर मिले तो बहुत अच्छा जो है बाय अभी भी मुझे जो है लगता है, खराब रिजल्ट के बावजूद भी। और अभी यहां पर ये जो थीम है जिस तरीके से इकोनॉमी अपने कगार के ऊपर जो है दोबारा से लौट रही है प्री कोविड लेवल की तरफ बढ़ेगी, तो जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनीज हैं वहां पर एक अच्छा रुझान देखने के लिए मिल सकता है। और गैस स्पेस के अंदर मैं आपको एक और बात बोलना चाहूंगा कि कुछ और कंपनीज भी अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो कुछ और कंपनीज भी आपको गैस स्पेस में बढ़िया मिल सकती हैं। और गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा देखिएगा जैसे मैंने गेल के बारे में बात की, तो गेल हालांकि हमारे एग्जिट पॉइंट पर आ गए, हमने उसको लोअर पर पकड़ने की जो है कोशिश की थी, और सिमिलर पोजिशन जो मैं अपने कस्टमर्स के साथ जो हो बात करता हूँ, अपने व्यूअर्स के साथ जो हम बात करते हैं, तो वही सारी बातें मैंने आज आपके साथ भी जो है शेयर की हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपके जो भी कमेंट्स हैं वो हमें काफ़ी पसंद आते हैं और आप अपने कमेंट्स करते रहिएगा। और मैं अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले जो आपकी वीकेंड के ऊपर यानी कि कल फ्राइडे है तो लास्ट सेशन है, तो कल एक और चर्चा के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।